और अब आपको ले चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में, मुजफ्फरपुर में वो एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, आइए देखें क्या कह रहे हैं वो। और अपना काम अपना कारोबार करने वालों के साथ इन लोगों को तो उनका जो बर्ताव रहा है उसे तो बिहार के लोग कभी नहीं भूल सकते। रंगदारी दी तब बचोगे, नहीं तो किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट तो उन लोगों के पास ही है, इसलिए इनसे सावधान रहना है। याद रखिए, इन दलों की राजनीति झूठ, फरेब और भ्रम पर आधारित है। इन लोगों के पास बिहार के विकास का न ही कोई रोडमैप है और न ही कोई अनुभव। भाइयों और बहनों, आज बिहार का युवा विश्वास से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, उसकी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं पूरी हो इसके लिए बिहार में सुशासन का बने रहना, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को आगे ले जाना बहुत जरूरी है। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार सुशासन के जिस रास्ते पर चला है उसे केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद नई ऊर्जा मिली है। बीते वर्षों में बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए अभूतपूर्व काम किया गया है। बिहार के गरीब से गरीब परिवार को वो मूलभूत सुविधाएं मिल रही है जिनका इंतजार उसने दशकों तक किया है। आज बिहार के गरीब से गरीब परिवार को भी बिजली, गैस कनेक्शन, शौचालय, घर, आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा सुनिश्चित कराई जा रही है। आज सामान्य से सामान्य परिवार के पास मोबाइल फोन है। अब बिहार के विकास के अगले चरण में हमें इन सुविधाओं का और विस्तार करना है। बिहार के लोगों को मिल रही सुविधाओं को आधुनिक बनाना है। साथियों, हाल ही में एक और बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की गई है जिसका लाभ बिहार के लोगों को होना तय है। हमारे देश के गांवों में गांव की जमीन, गांव के घरों के मालिकाना हक को लेकर हमेशा विवाद रहते हैं, भ्रम की स्थिति रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी रहने के बावजूद गांवों के घरों का कोई कानूनी मालिकाना दस्तावेज नहीं है और इसके कारण उसको अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती है। इस स्थिति में स्वामित्व योजना जिसका प्रारंभ हुआ है, ये स्वामित्व योजना से अब तक करीब करीब 1,00,000 लोगों को स्वामित्व का कार्ड दिया गया है और इस स्वामित्व के कार्ड से उनको वो अधिकार मिला है जिससे वो अगर घर से कहीं बाहर जाना है तो चिंता नहीं रहती है कि कोई आकर के घर का कब्जा कर लेगा, कोई घर में घुस जाएगा। अब उनको विश्वास रहता है कि अब उनके पास कागज होने के कारण, ये अधिकृत सरकारी दस्तावेज होने के कारण वे अपने तरीके से बैंक से लोन भी ले सकते हैं। और ये स्वामित्व योजना प्रायोगिक रूप से अभी 6 राज्यों में शुरू की है। जैसे ही यहां चुनाव और आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, बिहार के गांवों को भी
बिहार के गांव के हर नागरिक को इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथियों, आज बिहार में कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है। विशेष रूप से बिहार को पश्चिमी समुद्री तट और पूर्वी समुद्री तट से गैस पाइपलाइन के माध्यम से कनेक्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत पारादीप हल्दिया से आने वाली लाइन अभी बांका तक पूरी हो चुकी है और ये मुजफ्फरपुर भी जल्द ही पहुंचेगी। गुजरात के कंडला से आने वाली पाइपलाइन जो गोरखपुर तक पहुंच चुकी है, इसको भी इससे जोड़ा जा रहा है। बिहार एक प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन परियोजना का हिस्सा होने वाला है। दिया गया उसमें पेट्रोलियम और गैस से जुड़े 10 बड़े प्रोजेक्ट थे, हजारों करोड़ रुपए के। इन प्रोजेक्ट्स में से अधिकतर पूरे हो चुके हैं। यहां मुजफ्फरपुर में नया एलपीजी प्लांट लगा है। इसके अलावा पटना और पूर्णिया में भी एलपीजी प्लांट का विस्तार किया गया है। सिर्फ एलपीजी नहीं, इस पाइपलाइन से बिहार के अनेक जिलों में, अनेक शहरों में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाई जा रही है। इतना ही नहीं, इससे बिहार में सीएनजी आधारित कम प्रदूषण फैलाने वाली ट्रैफिक व्यवस्था बनने का काम चल रहा है। जब बिहार को गैस कनेक्टिविटी मिल गई तो यहां गैस आधारित कारखानों का खुलना आसान हुआ है। बरौनी जैसे कुछ कारखाने जो पहले बंद हो गए थे, उनको फिर से चालू करना आसान हो गया है। भाइयों और बहनों, गैस कनेक्टिविटी के साथ आज यहां हाईवे और रेलवे के नेटवर्क को भी आधुनिक किया जा रहा है। पीएम पैकेज के तहत मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट या तो पूरे हो चुके हैं या फिर काम जारी है। छपरा, मुजफ्फरपुर और बरौनी को कनेक्ट करने वाली सैकड़ों करोड़ रुपए की सड़कें यहां बनी है। साथियों, मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, सीतामढ़ी हो, ये पूरा क्षेत्र बिहार के अहम व्यापारिक केंद्र भी है और बिहार में तीर्थाटन का, हेरिटेज टूरिज्म का भी महत्वपूर्ण सेंटर है। ऐसे में यहाँ के शहरों के सुंदरीकरण पर और सामान्य सुविधाओं का निर्माण एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है। हाल में मुजफ्फरपुर में रिवर फ्रंट बनाने का काम भी शुरू किया गया है। इसके तहत शहर के कई घाटों को विकसित किया जा रहा है। वहां शौचालय और दूसरी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो यहां पर्यटकों को भी बहुत आकर्षित करेगा। साथियों, रामायण सर्किट के साथ ही बुद्ध और जैन सर्किट के तहत भी यहां बेहतर सुविधाएं विकसित की जा रही है। नीतीश जी के नेतृत्व में जब यहां फिर से एनडीए की सरकार बनेगी तो सुविधाओं और सुंदरीकरण के प्रोजेक्ट को और गति दी जाएगी। भाइयों और बहनों, विकास और सुशासन के मूल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। विकास हो, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, नौजवानों का, महिलाओं का, सबका विकास हो, कोई न पीछे रहे, न ही किसी से भेदभाव हो।
इसी सोच के साथ एनडीए सरकार काम कर रही है, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटी है। साथियों, इसमें देश की बिहार की महिलाओं बहनों बेटियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या बिहार में, महिला सशक्तिकरण के अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं। बेटियों की पढ़ाई, दवाई से लेकर कमाई तक एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष हो, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना हो, आज गर्भवती महिलाओं के पोषण से लेकर टीकाकरण के लिए सरकार हर जरूरी मदद दे रही है। साथियों, बिहार में 4.5 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए, उसमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा खाते हमारी माताओं बहनों के नाम है। बिहार की इन बहनों के जनधन खातों में कोरोना लॉकडाउन के समय सैकड़ों करोड़ रुपए की सीधी मदद पहुंचाई गई है। बिहार में जीविका दीदियों के लिए बैंकों से मिलने वाली मदद का भी विस्तार किया गया है। इस वजह से जीविका दीदियों का नेटवर्क दिनों दिन और मजबूत हो रहा है। भाई और बहनों, हाल में जो श्रम सुधार किए गए हैं उसमें देश की महिला श्रम शक्ति के लिए काम के सभी क्षेत्रों को पूरी सुरक्षा के साथ खोल दिया गया है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर मेहनताने का कानूनी अधिकार सुनिश्चित किया गया है। बिहार में श्रम योगी पेंशन योजना के तहत लगभग 2 लाख श्रमिक साथी जुड़ चुके हैं। इसमें से भी लगभग 70,000 बहनें हैं। मुद्रा योजना में बिहार में 4 लाख से ज्यादा बिना गारंटी के ऋण आवंटित हुए हैं, जिसमें से लगभग 2.5 लाख बिहार की महिला उद्यमियों ने लिए हैं। देश के विकास में, बिहार के विकास में बहन बेटियों की इस भागीदारी को हमें मजबूत करना है। साथियों, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की भावना के साथ आपको इस बार अपना वोट भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए को डालना है। याद रखिए, आपका एक एक वोट बिहार को फिर से बीमार होने से बचाएगा। वोट आपका एक एक वोट बिहार को फिर से बीमार होने से बचाएगा, कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इधर आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा इनके पास किडनैपिंग कंपनी का कॉपीराइट है। सुशासन के लिए नीतीश कुमार का रहना जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए कोई रोड मैप ओपोनेंट्स के पास नहीं है। देश में रिवर फ्रंट डेवलप हो रहे हैं, महिलाओं को सुशिक्षित करने के लिए, उनके विकास के लिए काम किया जा रहा है, नई सुविधाओं से पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, और विकास के ये तमाम काम रुक जाएंगे अगर किसी और को मौका दिया। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।